हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सैटरडे, आज कुछ स्पेशल है क्योंकि आज है जमाई षष्ठी, जो बंगाली का एक स्पेशल रिचुअल होता है। और ये रिचुअल मेनली होता है इन लॉज एंड सॉन इन लॉ के बीच में, मतलब सासू माँ एंड स्पेशली सासू माँ के साथ दामाद का स्पेशल एक रिचुअल्स होता है। तो आज के दिन में हम लोग जो करते हैं कि बहुत जन के घर में पूजा होते हैं, षष्ठी पूजा बोलते हैं, तो बहुत जन के घर में ये होता है और किसी किसी के घर में होता भी नहीं है। तो जैसे कि हम लोगों का ये पूजा होता नहीं है हम लोगों का, तो हम लोगों का मेनली होता है कि गिफ्ट देना रहता है, मतलब जैसे इन लॉज दामाद को गिफ्ट देंगे, सेम दामाद को भी कुछ गिफ्ट देना पड़ता है अपने इन लॉज को। इसमें बेटी लोगों का एक्चुअली में कुछ फंक्शन रहता नहीं है, बोल सकते हो फ्री में बेटी लोगों को बहुत सारा खाना, अच्छा अच्छा खाना, स्पेशल खाना मिल जाता है। तो यही है, तो इसके लिए मेरे घर में बहुत सारा खाने का बहुत सारा खाने का अरेंजमेंट हुआ है। तो फिलहाल क्या क्या है वो मैं बोलूँगी, और यही है। तो आज का बोल सकते हो स्पेशल डे है सम्राट के लिए और मेरे मम्मी पापा के लिए। तो मेरे घर में पूजा छोड़ के सिर्फ ये स्पेशल खाना ही बनता है और गिफ्ट देते हैं, यही है। तो क्या गिफ्ट मिला, क्या खाना बन रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज। तो चलिए देखते हैं क्या क्या खाना बनते हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ प्रॉन मलाई करी, उसके लिए मैं पैन पे ऑयल दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रॉन को थोड़ा फ्राई करके रख दिया है, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी देके, ज़्यादा फ्राई नहीं किया है क्योंकि ये थोड़ा कड़क हो जाता है। ऑयल थोड़ा गर्म होने के बाद मैं तड़का लगाने के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कार्डेमन एंड एलच, और यहाँ पे है बे लीव, वन बे लीव है, उसको मैंने हाफ कर लिया है। इसको थोड़ा अच्छे से फ्राई कर लेना है। फिर मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ वन ऑनियन, ऐसे छोटा छोटा करके मैं इसको पीस कर ली थी। ऑनियन को थोड़ा गोल्डन फ्राई करना है। ऑनियन थोड़ा गोल्डन फ्राई हो चुका है, एक अच्छा सा कलर आ गया है ऑलरेडी। अभी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। हाँ
इस पे मैं थोड़ा यहाँ पे नारियल का दूध बना के मैं रखी हूँ, नारियल मिल्क। अगर कोई ग्रोसरी शॉप में जाएंगे तो ये आपको बड़ा वाला ग्रोसरी शॉप में ये आपको मिल जाएगा नारियल का दूध, अदरवाइज आप लोग इसको घर में भी बना सकते हो। तो मैं फ़िलहाल ये घर में ही बनाई हूँ। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 कप नारियल दूध मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें, तो थोड़ा सा नारियल दूध मैं यहाँ पे दे दे रही हूँ। फिर इसमें मैं थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर। थोड़ा सा गरम मसाला। और लास्ट में टेस्ट वाइज नमक। सॉल्ट हमेशा आप लोग अपने टेस्ट वाइज देना। फिर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मसाला अच्छे से भून गया है तो मैं अभी इसमें ऐड करूँगी शुगर। शुगर भी आप लोग अपने टेस्ट वाइज देना। अगर ज़्यादा थोड़ा मीठा चाहते हो तो थोड़ा सा शुगर यूज़ करना, अगर ज़्यादा चाहते हो तो थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। वो देने के बाद मैं फिर से थोड़ा सा नारियल दूध ऐड कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे से एक स्मेल आया है, आप लोगों को नहीं मिल रहा है लेकिन इधर में सच में बहुत सुंदर एक स्मेल आया है। ये ऑलमोस्ट हो गया है तो यहाँ पे बाकी जो नारियल का दूध है मैं यहाँ पे पूरा दे दे रही हूँ। इसमें कोई पानी नहीं यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए ये ऑलमोस्ट हो रहा है तो इसमें मैं यहाँ पे जो प्रॉन था पहले थोड़ा सा फ्राई करके रखी थी उसको मैं इसमें दे दूँगी।
अभी इसको थोड़ा लो फ्लेम में रखना होगा 5 मिनट्स के, 5 to 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद ये ऑलमोस्ट रेडी। ये ऑलमोस्ट हो गया है। अभी मैं गैस ऑफ करने के पहले इसमें थोड़ा गावा घी यूज़ कर रही हूँ। घी थोड़ा 1 टेबलस्पून घी ऊपर से मैं दे दूँगी। सो यहाँ पे रेडी है मेरा प्रॉन मलाई करी। मज़ा है ना, आज मुझे मम्मी के हाथों का खाना मिलेगा। आज नहीं, मतलब जब से मम्मी आई है तब से तो मैं एक्चुअली खाना बनाना छोड़ ही दी हूँ। लगता है मम्मी जाते जाते मैं पूरा खाना बनाना भूल ही जाऊँगी, ऐसा है। इतना आराम भी मिल रहा है और मेरी मम्मी कितना काम कर रही है उससे। कितना सारा खाना बन रहा है आज, मैं आप लोगों को एक एक करके दिखा रही हूँ। फिलहाल ये तो जो बन रहा है ये है कथला कालिया। इसके पहले प्रॉन मलाई करी ऑलरेडी हो गया है। यहाँ पे देखिए मटन है, इसको थोड़ा मैरिनेट करने के लिए दे दिया गया है। थोड़ा काट से इसको मैरिनेट के लिए दिया गया है। मेरा आवाज़ सुनने में अगर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि खाने का उधर से भी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। और आज मेरा किचन कुछ इधर उधर है सब सामान, तो इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। कभी कभी ना एक चीज़ मेरे से मिस्टेक हो जाता है जो मेरे मम्मी से कभी नहीं होता है, वो मैं आप लोगों को एक टिप्स देती हूँ। अगर आप कोई नॉनवेज आइटम बना रहे हो ना, कोई भी नॉनवेज हो, चाहे वो एग हो, मछली हो या फिर चिकन मटन कुछ भी हो, नॉनवेज आइटम बना रहे हो तो हमेशा ग्रेवी बनाने के लिए ना थोड़ा गर्म पानी यूज़ करना। वो बहुत उसमें टेस्ट और भी ग्रेवी का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा बन जाता है। पूरा ठंडा पानी देने से अच्छा है थोड़ा सा गर्म पानी देना, वो बहुत ही अच्छा होता है। सॉरी। ये देखिए मम्मी हमेशा हर चीज़ में गर्म पानी यूज़ करते हैं। इतना सुंदर कलर आ गया है ऑलरेडी, और भी थोड़ा इसको कुक करना पड़ेगा जब तक शायद ऑयल इसमें से निकल ना जाए। फिश ऑलरेडी दे दिया है, कतला फिश। यहाँ पे रेडी है कतला कालिया। बहुत भूख लग जा रहा है इतना खाना देख के। अभी यहाँ पे हो रहा है मटन करी। तो पहले से अगर आप लोग मैरिनेट करके रखोगे ना तो वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। यहाँ पे चल रहा है इसका करी। इसका रेसिपी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर नहीं कर रही हूँ, कोई और दिन शेयर कर लूँगी।
यहाँ पे देखिए कितना सारी प्रिपरेशन चल रहा है। सासू माँ को देखिए, सासू माँ को, मेरी मम्मी को देखिए, एकदम काम में पूरा बिजी। अगर मैं अभी डिस्टर्ब करूँगी ना, मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगा। यहाँ पे रेडी है मुड़ी घंटो। यहाँ पे लास्ट प्रिपरेशन चल रहा है मटन का। सीटी मार रहा है प्रेशर कुकर। हो चुका है दावत जी का खाना। कितना सारा खाना क्या है वो मैं बोलती हूँ एक एक करके, पहले आप लोग देख लीजिए। फिलहाल ये है बासमती राइस का चावल, ये है ब्रिंजल फ्राई, थ्री टाइप का फ्राई है यहाँ पे, ओके। एक है ब्रिंजल फ्राई, ये है परवल फ्राई, ये है पोटैटो फ्राई। फिर यहाँ पे है मुड़ी घंटो, यहाँ पे है दाल, यहाँ पे है कतला कालिया, ये है प्रॉन मलाई करी, ये है मटन मटन कौशा, कौशा या करी, मटन करी बोल सकते हो। ये है मैंगो का चटनी, यहाँ पे है फ्रूट्स मैंगो और लीची। और यहाँ पे है कुछ स्वीट्स, ये है रसगुल्ला जो कोलकाता का बहुत ही फेवरेट है, हाँ कोलकाता पीपल का बहुत फेवरेट एक मिठाई है और बोल सकते हो कोलकाता इसके लिए फेमस भी है। ये है काजू बर्फी और ये है मीठा दही स्वीट कार्ड। तो ये रसगुल्ला और कार्ड ये दोनों के लिए कोलकाता बहुत ही फेमस है। तो हम लोगों का मतलब बंगाली का कोई भी रिचुअल्स हो कुछ भी हो तो मिठाई में ये दो मिठाई ज़रूर रहता है, उसके साथ और कुछ भी मिठाई रहे ये ज़रूर रहता है। और यहाँ पे है पानी। तो फिलहाल आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि इतना अच्छा अच्छा खाना अगर रहेगा तो बहुत ज़्यादा ही भूख लग गया है, और स्पेशल वीकेंड स्पेशल है तो और भी भूख लग रहा है अभी इतना खाना, और मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग पे मिलते हैं कोई नया चीज़ के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।